कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बता दें कि नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को आवेदन करने के लिए एसएससी के आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा। मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है और मौसम विभाग ने 8 जिलों में मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों में सभी जिलों में बारिश होनी शुरू हो जाएगी। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि जून माह के अंतिम दिन तक पूरा मध्य प्रदेश बारिश में डूब जाएगा। दिल्ली की मशहूर बड़ा पाव गर्ल को कौन नहीं जानता। मशहूर बड़ा पाव गर्ल के नाम से चर्चित चंद्रिका दीक्षित अब अनिल कपूर द्वारा होस्ट की गई रियलिटी शो बिग बॉस के तीसरे सीजन के कंटेस्टेंट भी है। दरअसल बिग बॉस के घर के अंदर चंद्रिका ने यह खुलासा किया है कि वह एक दिन में बड़ा पाव बेचकर 40,000 कमाती हैं। नागार्जुन रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर सपोर्ट हुए थे। नागार्जुन के साथ धनुष और उनके बेटे भी मौजूद थे। अपराजी ने तीनों को अपने कमरे में कैद कर लिया था। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया जिसे देख सभी फैंस के होश उड़ गए और सभी नागार्जुन की आलोचना करना शुरू कर दिया। लंबे समय से डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के तहत लाने की मांग की जा रही है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भारी गिरावट नजर आ सकती है। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है। अब राज्यों को इसके बारे में फैसला लेना है और अब वे साथ आकर दरें तय करें। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत का अब तक का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है और अपने दमदार प्रदर्शन के कारण ही उसने लगभग सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह बना ली है। इस बार T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती है। अफगानिस्तान से हारने के बाद कंगारू जैसे घायल शेर की तरह हो चुका है। ऐसे में वह और भी खतरनाक तरीके से मैदान में उतर सकती है। इस साल हज यात्रा में गए सऊदी अरब में भीषण गर्मी के कारण 1,000 से अधिक हज यात्रियों की मौत हो चुकी है। इनमें 98 भारतीय भी शामिल है। कितने लोगों की मौत के बाद सऊदी अरब की व्यवस्था अब सवालों के घेरे में घिर चुकी है। इस मामले में मिस्र ने हज यात्रियों को मक्का ले जाने वाली कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिया है तो वहीं कुछ हाजियों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। झारखंड में पिछले दिनों हुई वर्षा से लोगों को गर्मी से राहत मिली, साथ ही राज्य में हीट वेव भी थम गया और बारिश होने के बाद धूप निकली तो उनकी तपिश कम थी। इस वजह से अब लोगों का जीना थोड़ा आराम हो चुका है, वरना पहले की बात करें तो हीट वेव और लू की वजह से तो लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। यूपी के गोरखपुर में तैनात डीएसपी कृपा शंकर को सिपाही बना दिया गया है। बता दें कि कृपा शंकर होटल में एक महिला सिपाही के साथ पकड़े गए थे। महिला सिपाही के साथ पकड़े जाने के कारण उनकी नौकरी के सफर की शुरुआत जहां से हुई थी उन्हें फिर से वहीं पहुंचा दिया गया। झारखंड अधिविधि परिषद ने जेसी 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम 2024 से 25 सत्र जारी कर दिया है। छात्र जेसी कक्षा में 10 से कक्षा 12वीं तक के पाठ्यक्रम 2024 से 25 पीडीएफ को आधिकारिक वेबसाइट jackjharkhand.gov.in पर देख सकते हैं। जेसी ने विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों के जेसी 10वीं से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। इसी के साथ को नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। पहले सत्र में सरकार की प्राथमिकता नए लोकसभा स्पीकर का चुनाव, सदस्यों के शपथ ग्रहण से लेकर राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए संयुक्त अभिभाषण और उस पर धन्यवाद चर्चा प्रस्ताव होना है। बॉस ओटीटी सीजन 3 की कंटेस्टेंट शिवानी कुमारी उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की अररिया गांव की रहने वाली है और पेशे से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वह अपने गांव में रहकर ही मजेदार रील्स बनाती है जिसमें कॉमेडी भी होती है। इंस्टाग्राम पर उनके 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है जिस पर उनके 2.24 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। उनके वीडियोस ब्लॉग्स काफी पसंद किए जाते हैं, तभी तो एक एक वीडियो पर लाखों व्यूज आते हैं। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल शादी के बंधन में बन चुके हैं और उन्हें अपने प्यार की मंजिल मिल चुकी है। बता दें कि इन दिनों दोनों को परिवार का आशीर्वाद और प्यार दोनों को मिल चुका है। सोनाक्षी और जहीर ने मुंबई में अपने परिवार वालों और के बेहद करीब दोस्तों की मौजूदगी में शादी की। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राम मंदिर का निर्माण कार्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने राम मंदिर को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने पहली ही बारिश में छत चूने की बात कही है। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र में पहली गिरफ्तारी की गई। लातूर पुलिस ने इस मामले में जलील खान पठान को गिरफ्तार किया है।